चारों तरफ G20 का शोर है। कई देशों के बड़े अधिकारी और प्रेसिडेंट मीटिंग के लिए भारत जो आ रहे हैं। आने वाले 8, 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाली G20 की बैठक में भारत अपनी डिजिटल इनोवेशन को पूरी दुनिया के सामने रखने की तैयारी कर रहा है और ये तैयारी भारत के रुपे कार्ड के विदेशी मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड को ग्लोबली टक्कर देने की है। RBI इसकी पूरी तैयारी भी कर चुका है। सितंबर में G20 की बड़े नेताओं के साथ होने वाली बैठक में RBI अपने 5 डिजिटल प्रोडक्ट्स को दुनिया के सामने दिखाएगा। इसमें UPI वन वर्ल्ड, फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्लेटफॉर्म, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC, रुपे ऑन द गो और भारत बिल पेमेंट सिस्टम शामिल है। RBI जानता है कि इन सभी प्रोडक्ट्स में वैश्विक स्तर पर छा जाने की पूरी ताकत है, इसीलिए इनका प्रदर्शन G20 की बैठक में किया जाएगा। सूत्रों की माने तो अभी दुनिया भर के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जो यूजर हैं वो ज्यादातर मास्टर कार्ड और वीजा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन दोनों ही कार्ड के इस्तेमाल पर फीस भी ज्यादा लगती है, जबकि इसकी तुलना में रुपे ऑन द गो के इस्तेमाल पर जो फीस है वो काफी कम होगी और इसमें एक्स्ट्रा तकनीकी सुविधाएं भी मिलेंगी। इतना ही नहीं, रुपे ऑन द गो को फिजिकली अपने साथ कैरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि डिजिटल रूप से भी इस कार्ड को अपने पास रखा जा सकेगा और इसमें सभी तरह की आपको पेमेंट करने की सुविधाएं भी दी जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक रुपे ऑन द गो और UPI पेमेंट की सुविधा के लिए लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कई देश भारत के संपर्क में भी हैं। रुपे कार्ड के वैश्विक स्तर पर चलन में आने से विदेश में भुगतान के लिए डॉलर की जरूरत नहीं रहेगी और इससे एक्सपोर्ट का भुगतान भी किया जा सकेगा। वहीं अगर बात दूसरे प्रोडक्ट यानी कि फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के करें तो इसका पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल से देश के कई राज्यों में चल रहा है, जिसके तहत कुछ ही मिनटों में ग्राहकों के खाते में लोन के पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। फिलहाल किसान और डेयरी उद्यमियों को इसका फायदा मिल रहा है, लेकिन जल्द ही MSME और पर्सनल लोन भी फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्लेटफॉर्म से दिए जा सकेंगे और इसके बाद देश में सभी तरह के लोन के लिए भी ये तरीका अपनाए जाने की उम्मीद है। बता दें कि भारत का UPI अब सिंगापुर, UAE, नेपाल, भूटान, फ्रांस और श्रीलंका में काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर आप घूमने जाएंगे तो आप आसानी से अपने फोन से UPI पेमेंट के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। और हाँ, इसे लेकर और भी कई छोटे बड़े देशों से हमारी बातचीत चल रही है जिनकी काफी दिलचस्पी है UPI को अपनाने में। इससे ये तो साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में UPI और भी कई देशों में शुरू हो सकता है। इसके अलावा RBI मीटिंग में भारत बिल पेमेंट सिस्टम को भी दिखाएगा, जिसके जरिए विदेश में रहने वाले भारतीय बिना किसी खाते का इस्तेमाल किए भारत में अपने बिलों का भुगतान कर पाएंगे, यानी कि भारत डिजिटलीकरण में ग्लोबल लीडर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत का उद्देश्य सभी देशों को डिजिटल इनोवेशन को दिखाना और उसे अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इससे दूसरे देशों में भारत की करेंसी का महत्व भी बढ़ेगा और इसके साथ ही डॉलर पर निर्भरता भी घटेगी, जिसका फायदा ये होगा कि भारत की करेंसी भी मजबूत होगी। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।